हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं हूं दुर्गा और बच्चे मुझे प्यार से दुर्गा मैम कहते हैं। आज के इस वीडियो पे आप जानेंगे कि प्रोनाउन हम किसे कहते हैं विद एग्जांपल। ओवरऑल बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, तो बने इस वीडियो पर। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे बिल्कुल मिस ना हो। क्लास टू से रिलेटेड और भी कई सारे वीडियो मेरे चैनल पर है, तो जाकर जरूर चेकआउट करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर जब भी आप इस वीडियो को देखें तो बच्चों के साथ देखें ताकि आपको डबल फायदा हो, बच्चों को भी समझ में आए और आपको भी समझ में आए। तो सबसे पहले हम प्रोनाउन जानेंगे कि हम प्रोनाउन किसे कहते हैं। प्रोनाउन आर द वर्ड डेट कैन बी यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन एक वो वर्ड है जिसे हम नाउन की जगह पर यूज करते हैं। प्रोनाउन एक वो शब्द है जिसे हम नाउन मतलब संज्ञा की जगह पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे आई, यू, ही, शी, आर। प्रोनाउंस किसे कहते हैं? आई, यू, ही, शी को हम प्रोनाउंस कहते हैं। अब हम आ जाते हैं सिंगुलर एंड प्लूलर। सिंगुलर प्लूलर ये थोड़ा जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। सिंगुलर मतलब एक, प्लूलर मतलब कई सारे। तो ये जब सेंटेंस हम बनाते हैं तो आई जो है वो कभी वी बन जाता है, कभी ही को हम दे बनाते हैं। ये कैसे बनता है ये हम जानेंगे। तो जैसे सिंगुलर में अगर जैसे आई है तो प्लूलर में हम इसे वी बना देंगे, जैसे सिंगुलर में यू है तो इसे प्लूलर में यू ही रहेंगे। उसके बाद सिंगुलर में ही है तो प्लूरल में हम दे बना देंगे, जैसे सिंगुलर में शी है तो उसे भी हम दे कर देंगे प्लूरल में। दीज को हम दीज कर देंगे, इट को हम दे कर देंगे, मी को हम अस कर देंगे, हिम हीज को हम देम देयर कर देंगे, हर को हम देम देयर कर देंगे और डैड को हम दोस कर देंगे। तो ये जब हम सेंटेंस बनाते हैं जो सिंगुलर वर्ड होता है उसे हम प्लूरल में जब हम चेंज करते हैं जो ये सारे वर्ड्स होते हैं ना उसको भी बदला जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, बच्चों को ध्यान से ये करवाइएगा और ये चीज़ समझाइएगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे जिससे आपको और भी अच्छे से प्रोनाउन के बारे में अच्छे से और भी पता चले। जैसे रमित इज़ माई ब्रदर, रमित मेरा भाई है, ही इज़ ए गुड बॉय। ये जो रमित था ये नाउन था, अब इसकी जगह पर हम प्रोनाउन यूज़ किए ही। जब हम फुल स्टॉप दे दिए उसके बाद फिर हम रमित को यूज़ नहीं करेंगे, हम रमित की जगह पर ही को यूज़ करेंगे। ही क्यों यूज़ किए? क्योंकि रमित लड़का है इसलिए हम ही यूज़ किए। अगर यहाँ पर रेशमा या कोई भी लड़की का नाम होता तो यहाँ हम शी यूज़ करते, जबकि रमित लड़का है तो हम यहाँ ही का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ये नाउन था, अब इसकी जगह पर हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। नाउन की जगह पर ही हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। जो शब्द का हम इस्तेमाल करते उससे हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे रमित था तो हम यहाँ रमित नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर ही कर देंगे, ही इज़ ए गुड बॉय। This is a dog. ये एक कुत्ता है। तो dog के लिए हम it का इस्तेमाल करते हैं। It is a domestic animal. चाहे वो dog हो या कोई सामान हो तो उसके लिए हम it का इस्तेमाल करते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा। सीता is singing a song. सीता गाना गा रही है। तो सीता एक लड़की है, तो अब जब लड़की है तो नाम की जगह पर हम प्रोनाउन जब यूज़ करेंगे प्रोनाउन वर्ड तो हम शी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये लड़की है इसलिए शी का इस्तेमाल हम करेंगे। अगर यहाँ पर कोई लड़का का नाम होता तो यहाँ पर हम ही का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है वैभवी एंड विभू आर फ्रेंड्स, दे आर स्टडिंग इन क्लास टू। वैभवी और विभू दोनों दोस्त हैं और ये दोनों क्लास टू में पढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम वैभवी एंड विभू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फुल स्टॉप के बाद हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? दे। कौन सा प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे? दे, क्योंकि यहाँ पर दो लोग हैं इसलिए हम यहाँ पर दे का इस्तेमाल करेंगे। वैभवी लड़की है, विभू लड़का है। ही और शी जब प्लूरल होते हैं तो हम लोग दे का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिखा हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो स्क्रीन शॉट है ना आप इसे ले लीजिए कहीं पर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देख सकते हैं अब क्या लिखा हुआ है। इन द अबव सेंटेंस शी, दे, ही एंड इट आर प्रोनाउंस। ही, इट, शी, दे, ये सब वर्ड्स क्या हुआ है? प्रोनाउन। नाम की जगह पर हम जो वर्ड यूज़ करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। अब हम वर्कशीट पर आ जाते हैं ताकि और भी चीज़ें अच्छे से आपको क्लियर हो। सबसे पहला वर्कशीट है अंडरलाइन द प्रोनाउंस फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। ये जो सेंटेंस है इसमें हमें प्रोनाउन को अंडरलाइन करना है। जैसे दिस इज ए अली, ही इज ए बॉय। ये अली है और ये लड़का है, तो इसमें हमारा प्रोनाउन क्या हुआ? ही। ठीक है। दिस इज ए मोना, ये मोना है, शी इज अ गर्ल। वो क्या है? गर्ल है। ये हमारा नाउन है तो हमारा प्रोनाउन क्या हुआ? ये। जॉन, सैम, राम एंड राज आर फ्रेंड्स, दे आर प्लेइंग। जॉन, सैम, राम, राज फ्रेंड्स है, दोस्त है और ये लोग खेल रहे हैं, तो इसमें हमारा प्रोनाउन क्या हुआ? दे।
दिस इज अ जिराफ। जिराफ हमारा क्या है, नाउन है। इट इज ए टॉल एनिमल, ये जिराफ है और ये सबसे टॉल मतलब लंबा एनिमल है। तो इसमें हमारा प्रोनाउन कौन सा वर्ड हुआ, ये जब नाउन है तो हमारा प्रोनाउन कहाँ हुआ, जब हम इसके बारे में नेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो ये इट लगा के बात कर रहे हैं, यही हमारा प्रोनाउन है। ठीक है, नेक्स्ट है माई फैमिली एंड आई आर गोइंग टू पिकनिक, मैं और मेरी फैमिली पिकनिक जा रहे हैं। वी आर हैप्पी और हम सब हैप्पी है, तो इसमें हमारा प्रोनाउन वर्ड कौन सा हुआ, वी मतलब हम सब। मैच द वर्ड अ ग्रुप ऑफ वर्ड और द लेफ्ट विद द करेक्ट विद द करिस्पॉन्डिंग प्रोनाउन ऑन द राइट, इस वाले वर्ड को करेक्ट प्रोनाउन के साथ हमें क्या करना है, मैच करना है। जैसे पैट एंड आई, पैट और मैं, तो क्या हो गया, दे इट वी शी ही शी तो नहीं होने वाला, किसी एक जन के लिए ही शी का इस्तेमाल करते हैं। वी मतलब हम सब, दे मतलब वो लोग, इट मतलब किसी एनिमल हुआ या कोई भी सामान हुआ, इसके लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पैट एंड आई, पैट और मैं, तो हम क्या यूज़ करेंगे, वी, पैट और मैं, इसका मतलब क्या हुआ, हम दोनों। तो जब दो होंगे मतलब वी हम दोनों, तो हम वी के साथ इसे मैचअप कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है जॉशिप, जॉशिप जो है वो एक लड़का है, तो हम ही का इस्तेमाल करेंगे, ही के साथ मैच करेंगे। एलिसा, एलिसा लड़की है, तो या शी के साथ मैच करेंगे। द बिग ट्रक, मैंने बताया था कि ये थिंग है, तो थिंग के लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं, इट के साथ मैच करेंगे। केविन एंड मार्थन, केविन एंड मार्थन मतलब दे मतलब वो लोग, केविन एंड मार्थन, तो उसके लिए हम दे का इस्तेमाल करेंगे, दे के साथ उसको मैच करेंगे। सर्कल द प्रोनाउंस इन दिस सेंटेंस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सेंटेंस में जो प्रोनाउन है उसे हमें सर्कल करना है। जैसे इट इज ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल जो है वो नाउन है, तो हमारा प्रोनाउन क्या हुआ, इट। दे वेयर यूजिंग क्रेयॉन्स, वो लोग क्रेयॉन्स यूज कर रहे हैं, दे, तो दे हमारा क्या है, प्रोनाउन। शी लाइक्स टू डांस, उसे डांस करना बहुत पसंद है, उसमें प्रोनाउन क्या हमारा, शी। ही इज ए डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है, इसमें हमारा प्रोनाउन क्या हुआ, ही। दे आर जम्पिंग, वो लोग जम्पिंग कर रहे हैं, इसमें हमारा प्रोनाउन क्या हुआ, दे। ठीक है, उसके बाद है हीज नेम इज आयुषी, इसका नाम आयुषी है, इसमें हमारा प्रोनाउन क्या हुआ, हीज। शी गोज टू स्कूल एवरी डे, वो हर रोज़ स्कूल जाती है, इसमें हमारा प्रोनाउन क्या हुआ, शी। उसके बाद वी आर स्टूडेंट, हम सब क्या है, स्टूडेंट्स है, वी आर स्टूडेंट्स, हम सब क्या है, स्टूडेंट्स है, तो इसमें हमारा प्रोनाउन क्या हुआ, वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिक द प्रोनाउन विच आर करेक्ट, ऐसे प्रोनाउन को हमें टिक करना है जो करेक्ट है। जैसे ही शी इज अ बॉय, बॉय के लिए हम क्या यूज करते हैं, ही। आई वी आर प्लेइंग, आई के साथ कभी भी आर का इस्तेमाल नहीं होता है, इसे गार्ड बन लीजिए, कभी इस्तेमाल नहीं होता, आई के साथ हमेशा एम का इस्तेमाल होता है, जबकि यहाँ आई का कोई इस्तेमाल नहीं है, तो हम यहाँ वी, वी आर प्लेइंग मतलब हम सब खेल रहे हैं। यू आई आर माई फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या होगा, आई का इस्तेमाल नहीं होगा, तो यहाँ पर इस्तेमाल होगा यू का, यू आर माई फ्रेंड्स, तुम हमारे फ्रेंड्स हो। आई शी एम 6 ईयर ओल्ड, तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा, आई का, क्योंकि आई के साथ हमेशा एम का इस्तेमाल होता है और शी एम का कोई सेंटेंस ही नहीं बनता है, शी के साथ कभी एम का यूज़ नहीं होता, ये भी याद रखिएगा। तो आई एम 6 ईयर ओल्ड, ही शी इज़ माई मदर, मदर क्या है, फीमेल है, फीमेल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, शी, शी इज़ माई मदर। नेक्स्ट हमारा वर्कशीट है रिप्लेसिंग नाउन विथ प्रोनाउन, यहाँ पे जो नाउन है, नाउन वाली जो वर्ड है उसे हमें रिप्लेस करके प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है। जैसे जेम्स इज गुड एट सॉशर, सॉशर जो है ये एक गेम है, तो यहाँ पर जेम्स जो है वो क्या है, बॉय है, तो यहाँ पर हम ही का इस्तेमाल करेंगे, जेम्स की जगह पर हम ही का इस्तेमाल करेंगे, तो हम ही पर टिक करेंगे। माई मदर लाइक्स रेड रोजेस, मेरी मम्मी को रेड रोजेस मतलब लाल गुलाब काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो माई जो मदर है वो क्या फीमेल है, तो इसलिए शी, शी ही हर में हम क्या यूज़ करेंगे, शी, शी लाइक्स रेड रोजेस। ठीक है, जैम एंड सैली आर ट्विंस, जैम और सैली दोनों क्या है, ट्विंस है। शी वी दे, शी तो किसी सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, वी जो है वी का मतलब होता है हम दोनों, हम और तुम, और दे का मतलब क्या होता है, वो दोनों, इसमें मैं तो हूँ नहीं, यहाँ पर आई तो कहीं लिखा हुआ है नहीं, यहाँ पर तो मैं कहीं नहीं हूँ, यहाँ पर वो दोनों हैं, तो यहाँ पर हम दे का इस्तेमाल करेंगे, मतलब दोनों क्या है, ट्विंस है। जैम एंड शैली क्या है, ट्विंस है।
आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको पार्ट टू का भी वीडियो चाहिए इसका तो मुझे कमेंट बॉक्स में बेझिझक कमेंट कीजिए, मैं हो सके इसका पार्ट टू वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ताकि आपको और अच्छे से प्रोनाउन समझ आए। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स लोग के साथ जिन्हें इस वीडियो की ज़रूरत है उसके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।